आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पग डॉग, जिसे हम वोडाफोन वाले डॉग के नाम से जानते हैं, उसका इंडिया में क्या प्राइस है एंड अगर हम पग डॉग को अपने घर में रखते हैं तो हमें महीने का कितना खर्चा आ जाता है, ये आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। पग डॉग के प्राइस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको पग डॉग के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि पग डॉग किस टाइप की डॉग ब्रीड है एंड आपके फैमिली के लिए परफेक्ट है भी या फिर नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सो पग एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट 25 से लेकर 36 सेंटीमीटर्स तक होती है और वेट 6 से लेकर 9 केजीज तक होता है। इन डॉग्स का लाइफ स्पैन 12 से लेकर 15 ईयर्स तक का होता है एंड इनका ओरिजिन चाइना से है। इंडिया में पग डॉग को हर कोई जानता है बिकॉज पहले टीवी पर वोडाफोन वाली एड आती थी, आप सबको याद होगा, एंड उस एड में आपने इन डॉग्स को कभी ना कभी देखा होगा एंड कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से पग डॉग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। इन डॉग्स को बाकी डॉग से अलग बनाता है इनका यूनिक फेस, जो कि एक बार देखने के बाद आप शायद ही कभी भूल पाओगे। इन डॉग्स के फेस पर जो रिंकल्स होते हैं उसकी वजह से ये डॉग्स काफ़ी क्यूट दिखते हैं। किसी किसी को ये डॉग्स पसंद होते हैं तो किसी किसी को नहीं। पग एक एक्सेलेंट फैमिली डॉग्स हैं, ये काफ़ी फ्रेंडली डॉग्स होते हैं और काफ़ी सोशल डॉग्स होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो आपके लिए पग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। ओवरऑल देखा जाए पग एक एक्सेलेंट डॉग ब्रीड है, बट इन डॉग्स में कुछ हेल्थ इशू आते हैं जैसे कि आई इन्फेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ओवरवेट। देखो पग डॉग जो है ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं एंड ये ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लेजी होते हैं, तो इसकी वजह से इनका वेट बढ़ता है एंड बढ़ते वेट की वजह से इनमें जो है कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर आप एक पग ले रहे हो तो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप जो है अपने डॉग पर ध्यान दे सकें एंड उन्हें जो है होने वाली बीमारियों से बचा सकें। अगर आप पग ले रहे हो तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपको जो है उसे रेगुलरली एक्सरसाइज करवानी होगी बचपन से ही, बिकॉज पग जो है काफ़ी जल्दी ओवरवेट हो जाते हैं एंड ओवरवेट होने की वजह से इनमें जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको जो है उसे रेगुलरली एक्सरसाइज करवानी होगी एंड उसके लिए जो है आपको एक प्रॉपर डाइट बनाना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है उसे खाना देना है, एक्सरसाइज करवानी है, आपको जो है उसे प्रॉपर रूटीन देना होगा, तब जो है आपका पग डॉग काफ़ी हेल्दी रहेगा। ये सारी बातें जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जब एक डॉग लेते हो तो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में पहले ही पता होनी चाहिए बिकॉज आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। जो है एक काफ़ी अच्छी फ्रेंडली डॉग ब्रीड है एंड आपको जो है इस डॉग के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इन्हें जो है सोशलाइज करवाना भी काफ़ी आसान होगा एंड ट्रेनिंग देना भी काफ़ी आसान होगा, बट जो है आपको उन्हें रेगुलरली एक्सरसाइज करवानी होगी, नहीं तो ये जो है ओवरवेट हो जाते हैं। तो अगर आप एक पग डॉग लेना चाहते हो तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड पग का प्राइस जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो इंडिया में नॉर्मल क्वालिटी का पग जो है 10 से 15,000 रुपये तक आ जाता है। अगर आप हाई क्वालिटी का पग डॉग लेते हो तो 20 से 25,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मंथली कॉस्ट के बारे में। किसी भी डॉग पर होने वाला खर्च सबसे ज़्यादा उसके खाने पर होता है। पग एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है तो इनके खाने पर जो है बाकी डॉग के कंपेरिजन में कम खर्चा होता है। अगर आप पग को स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हो लाइक पेडिग्री प्रो या फिर रोल्स, तो आपको हर महीने 1,000 से लेकर 1,500 रुपये तक पर मंथ खर्चा आएगा उसके खाने पर। ही अगर आप अपने पग को प्रीमियम क्वालिटी का डॉग फूड देते हो तो 2 से लेकर 2,500 रुपये तक खर्चा आएगा पर मंथ उसके खाने पर। वैक्सीनेशन कॉस्ट जो होता है वो सभी डॉग्स के लिए सेम होता है, जो कि 500 रुपये से लेकर 900 रुपये तक होता है एंड डिवॉर्मिंग कॉस्ट 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक होता है, जो कि सभी डॉग्स के लिए सेम होता है। ग्रूमिंग कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं, 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक होता है, जिसमें शैम्पूज, सोप्स, ब्रशेस एंड कंडीशनर इंक्लूड होते हैं। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें हमें पग को अपने घर में रखने का कितना खर्चा आ जाता है, तो अगर आप उसे स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हो तो 2,500 से लेकर 3,000 रुपये तक पर मंथ उसको खर्चा आएगा अपने घर में रखने का एंड वही अगर आप उसे प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हो तो 3,000 से लेकर 3,500 रुपये तक पर मंथ उसको खर्चा आएगा अपने घर में रखने में। ये जो है मैं एवरेज बता रहा हूँ, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है और फिर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको पग के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी है। ओवरऑल पग एक काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है एंड आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो प्लीज़ आप इस डॉग ब्रीड को कंसीडर कीजिए, काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है एंड अगर आपका घर छोटे साइज का भी है तो उसमें भी ये डॉग ब्रीड जो है काफ़ी आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।